हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कौशिला मिंज और आज मैं आप लोग से अपना थर्सडे पूजा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 8 बज रहे थे और जितने भी घर के काम होते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह और नाश्ता पकाना, वो सारा मेरा कंप्लीट हो चुका था। मैंने अपने बाबू को भी नहला दिया, सोनल का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी करीब 8:30 बज रहे हैं और तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। तो जैसा कि हर कम्युनिटी का एक स्पेशल डे होता है पूजा करने का, जैसे बहुत कोई मंडे को करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को भी करते हैं, उसी तरह हम लोग जो हैं, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ थर्सडे को स्पेशल डे माना गया है, मतलब उसी दिन हम लोग पूजा करते हैं। तो नहा धोवा के हमें होता है कि ज़्यादा कुछ लगाना वगैरह नहीं होता है, बस जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ तो बस सिंदूर और बिंदी लगा सकती हूँ। और उसके बाद देखिए, सारा काम मैं इसलिए जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है हमें पूजा करने के लिए। तो हमारे पूजा में सबसे बेस्ट जो है वो धुवन होता है। हम लोग धूप इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल धुवन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं धूपदानी में ही आग जला देती हूँ क्योंकि अब मेरे पास ना अभी लकड़ी तो मिलती ही नहीं है, सूखी लकड़ी एक वजह है ये भी है। और जैसे चूल्हा में हम लोग आग जलाते थे, उसके बाद वहाँ से आग निकालते थे, उसके बाद मैं धूप दिखा देती थी, लेकिन अभी क्या है, चूल्हा भी मेरा भींगा हुआ है, तो मैं धूपदानी जो आते हैं ना, उसी में आग जला के इस तरह से धुवन इस्तेमाल करती हूँ। तो हमारे पूजा में कोई भी छोटा मोटा कुछ भी पूजा होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। तो जी, ये देखिए, ये मेरा छोटा सा रूम है पूजा करने का, तो हम लोग नीचे ही रखते हैं पूजा करने का और नीचे ही बैठ के पूजा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नेचर का ही पूजा होता है, प्रकृति का ही पूजा होता है। तो ये जो सामने जो फ्रंट में देख रहे हैं फोटोज़, वो एक्चुअली क्या है, पेड़ का ही है। तो पेड़ में हम लोग जैसे दर्जा दिया गया है सरना माँ का, तो हम लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे में ही हमारे जो भगवान हैं वही वास करते हैं, वही रहते हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि फिर एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कोई मिस्टेक हो, और अभी मेरा स्टार्टिंग है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे कुछ गलतियाँ हों, जिससे कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया है कि जो पोतनी माटी आते हैं, जो गांव के घरों के दीवारों में जिसे चूना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घर को पोता जाता है, लिपा जाता है, वो मिट्टी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने वहाँ पर लेप लगा दिया है और जो कुछ भी मैं अपने भगवान को चढ़ाऊँगी, सरना माँ को, वो मैं इसी पर गिराऊँगी। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल जो अरवा चावल के दाने आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पानी डालते हैं और फिर हमारा धुवन होता है, बाकी हम लोग ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्मल इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं। हर थर्सडे के दिन हम लोग का जो थर्सडे का दिन है वो बेस्ट दिन होता है, कोई भी पर्व त्यौहार अगर थर्सडे दिन पर जाता है तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और इस दिन हम लोग के कम्युनिटी के अधिक लोग ज़्यादा नॉनवेज या मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं धुवन को पूजा करने के बाद सारे घरों में, सॉरी सारे रूम में इस तरह से घुमा देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है, क्योंकि इससे बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है और प्लस इसका महक कितना ज़्यादा अच्छा रहता है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और एक होता है कि इससे वातावरण भी थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है। तो मैं सारे रूम में घुमा के फिर यहाँ पे आ गई हूँ। ये हम लोग का कम्युनिटी को जो इंडिकेट करता है वो झंडा है, तो मैं यहाँ पे भी पूजा कर लूँगी जिस तरह से मैंने घर में पूजा किया है अंदर, उसी तरह से। तो मैं तो हमेशा पूजा करने के दौरान यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम लोग को अभी तक जो कुछ भी दिए हैं उसके लिए धन्यवाद, और आगे जो कुछ भी मुसीबतें आने वाली हैं उसे लड़ने की हमें शक्ति दीजिएगा। मैं बस यही कामना करती हूँ। तो
अभी मेरा पूजा का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी पूजा करने से पहले हम लोग तेल वगैरह नहीं लगाते हैं, हमारे कम्युनिटी में ऐसा बोला जाता है। और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो बिना तेल उल लगाए, क्रीम वगैरह लगाए ही वैसे ही पूजा करना है। तो सिंपल है, मेरा शादी हो गया है तो इस वजह से मैंने केवल सिंदूर और बिंदी डाला था, क्योंकि हम लोग सुहागन है तो उसी रूप में हम लोग के पास हम लोग को जाना होता है भगवान के पास। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके मैं यहाँ पे तेल वगैरह लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरा जो ब्लॉग है ना वो लेट से आ रहा है, इसके कुछ रीज़न है, क्योंकि मैं जिस ऐप से वीडियो एडिट करते हैं उसमें थोड़े बहुत दिक्कत आ रहे हैं और बहुत लेट से वो अपलोड हो पा रहा है। तो सुबह में ही चालू कर देती हूँ, लेकिन करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं 10 मिनट का भी वीडियो अपलोड करने में। इस वजह से मेरा वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इस वजह से मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है। और अभी देखिए, पूजा का काम कंप्लीट होने के बाद अभी हम नाश्ता करने आ गए हैं। तो आज मेरा सिंपल सा नाश्ता है, रोटी और भिंडी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ देख सकते हैं, मैंने बाबू को अभी थोड़ा देर पहले बोतल में दूध दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने खाना स्टार्ट किया ना, तो फिर वो भी खाना खाने आ गया, नाश्ता करने आ गया। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, अभी शाम का समय हो रहा है, तो दोपहर में मेरे गेस्ट आ गए थे। एक रीज़न ये भी है कि 2-3 दिन से लगातार मेरे गेस्ट आ रहे हैं ना, तो मुझे एडिट करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, प्लस कोई ब्लॉग भी बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ, क्योंकि माँ का तबीयत ख़राब है तो माँ से मिलने के लिए बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाते हैं, तो बना नहीं पाती हूँ कोई वीडियो। तो इसलिए आप लोग अगर लेट हो जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी शाम का समय हो रहा है, तो मैं आज मक्का के आटे की पकौड़ी बना रही हूँ, तो उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मक्का का आटा, और उसमें मैंने बारीक प्याज और मिर्च कट करके डाल दिए हैं। उसके बाद हल्का सा बेसन लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और सोडा। तो इन सबको अच्छे से धीरे धीरे मिक्सचर को अच्छे से गूंथना है, और बिल्कुल जैसे हम लोग आटे को गूंथते हैं ना, कुछ उसी तरह से गूंथना है, और ताकि हमारा जो पकौड़ा है वो फूले और थोड़ा सा क्रिस्पी बने। और अगर क्रिस्पीपन ज़्यादा चाहते हैं तो आपके पास अगर चावल के आटे हैं तो आप वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से उसका बेटर बनाना है, थोड़ा सा गीला। और अगर आपके पास मक्का के आटे हैं ना, तो आप मक्के के आटे का पकौड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी हेल्दी होता है, टेस्टी होता है और क्रिस्पी भी बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं, मेरा जो है मक्के का आटे का पकौड़ी बनाने के लिए बेटर जो है वो रेडी है। तो अभी मैंने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म जो नॉर्मल बेसन के पकौड़े बनते हैं ना, उसी तरह से डालूंगी। और आपको जैसा पसंद है, मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ या बड़े साइज़ के पकोड़े बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थे। और हमें ना हर तरह के पकोड़े इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए खाने के लिए, चाहे वो आलू के पकोड़े हो, ये बैगन के हो, या फिर सिंपल बेसन के। तो हमें हर तरह के पकोड़े बनाने चाहिए। और पकोड़े है ना, आप हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में अलग अलग तरह से जहाँ जो चीज़ें पाई जाती है ना, उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। बस थोड़ा सा बेसन डालना होता है, क्योंकि बिना बेसन के तो पकोड़े बनेंगे नहीं, और बनते भी हैं तो वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और यह देख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना है, इसे मीडियम साइज पे पकाना है, ताकि जो मक्के का आटा है वो अंदर से भी पक जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं, मेरा मक्का का आटा का जो पकोड़ा है वो बिल्कुल रेडी है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे उन्हें काफ़ी इन्जॉय किया। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े खाने चाहिए, तो वही मैंने बुला लिया है सोनल को कि तुम ले जाओ गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करो। तो यहाँ पे केचप लिया जा रहा है, मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाया है, और नहीं तो टमाटर की चटनी के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा लगता है।
फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा मक्के के आटे का रेसिपी और मेरा थर्सडे पूजा रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, बच्चों लोग को तो कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो लोग तो लेके खाने चल गए हैं, तो ये मेरे लिए है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा ये रेसिपी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।